आसवा नंबर साफ कर रही है। ऐसे गई थी, ऐसे आई, देखिए खड़ी है, अभी खड़ी है, अभी खड़ी है, पूरा सोना में लिखा बॉक्स पे। क्या नाम है आपका? देवांशु। देवांशु, ये क्या देखे आपने सीसीटीवी? जब मैं 5 बजे नीचे सीसीटीवी में मैंने देखा, जब मैं दुकान खोला भी चेक किया, 3 बजे से एकदम तेजी में धुआं निकल रहा है, 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी है चौराहे पे। लेकिन वो कहते हैं उन्हें किसी ने कोई सूचना नहीं दी। क्यों सूचना दी देती है तो कहते हैं इतना नुकसान न होता, जितना हुआ उतना नुकसान न होता। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? आज सोनभद्र जिला मुख्यालय पे मेन चौराहे पे जो आग लगी, इतनी विभत्स आग लगी और जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, इसमें साफ साफ ये उजागर हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रत्येक सबको दिखाई दे रहा है कि पुलिस की बहुत ही कमजोरी रही और बहुत ही लापरवाही रही। ठीक इस शोरूम के सामने पुलिस की पिकेट बना हुआ है, उस पर कोई भी कर्मचारी नहीं था और टीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है और गाड़ी के सामने ही धुआं निकल रहा है, लेकिन 100 नंबर की गाड़ी ने कोई कार्रवाई नहीं की और काफ़ी देर तक टीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है, काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही और धुआं ने जब जोर पकड़ लिया तो गाड़ी वहां से चली गई। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, समय रहते कोई कार्रवाई करते तो इस भारी नुकसान को बचाया जा सकता था और ये नुकसान कम हो सकता था। पुलिस की बहुत ही ये लापरवाही रही और इस तरह की लापरवाही ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। बगल में पिकेट भी है, पुलिस पिकेट, उसमें कोई उसके ऊपर भी बात नहीं। पुलिस पिकेट जहाँ पे है, कोई पिकेट में कोई कर्मचारी नहीं था और यहाँ कप्तान महोदय आए, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी पुलिस की ही नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी दुकानदार की भी है, इतनी बड़ी दुकान की है, आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। तो इस तरह का बयान ये कतई जो है उचित नहीं है। ठीक है, दुकानदार की जिम्मेदारी होती है तो पुलिस क्या कर रही थी, 100 नंबर की गाड़ी क्या कर रही थी वहाँ पे? जो है गाड़ी जब वहाँ खड़ी है, जब पिकेट एकदम 10 कदम पे पिकेट है, वहाँ पिकेट में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, कोई ड्यूटी वाले नहीं है और गाड़ी खड़ी है और गाड़ी देख रही है, 100 नंबर गाड़ी देख रही है कि दुकान से धुआं निकल रहा है, काफी देर तक धुआं निकल रहा है, टीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी खड़ी है, धुआं निकल रहा है। तो प्रशासन की इस लापरवाही के लिए आप किस तरह से? प्रशासन की इस लापरवाही के लिए अगर प्रशासन जो है अगर जरूरी कदम नहीं उठाता है तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये आज मेन चौराहे पे झुनझुन वाला जनरल स्टोर है, उसमें करीब 4 से 5 बजे के बीच में आग लगी थी और डायल 100 के द्वारा ही थानों को और फायर ब्रिगेड को सूचना पहुंचाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जो बात की जा रही है वो बाद में देखा जाएगा कि इसमें कितने बजे का समय था और डायल 100 की गाड़ी के जो लोग थे उनको जानकारी हुई कि नहीं, हो सकता है कि उनके संज्ञान में ये बात ना आई हो, इस बारे में जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या तथ्य है इसमें। लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आग पे काबू पा लिया था और इसमें किसी भी तरीके की कैजुअलिटी या किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस का फायर ब्रिगेड का काफ़ी सराहनीय कार्य रहा क्योंकि उसी दुकान के सेकंड फ्लोर पे इनका परिवार रहता था, समय रहते आग पे काबू पा लिया गया और किसी भी तरीके के नुकसान को, जनहानि को इसमें रोका गया।